दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं, जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि जॉब पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नेगेटिव शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसके वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों, आज के जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी की आपको यदि प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को छुटकी में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले, आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोख लेता है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की यदि आप किताब लेकर आते हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नेगेटिव ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है।
नींबू घर के वातावरण को एकदम पॉजिटिव शक्तियों से भर देता है। दोस्त और किसी व्यक्ति के घर पर यदि नेगेटिव शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माये जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ पॉजिटिव शक्तियां आएंगी, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आपसी लोगों में सदैव बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब यदि आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नेगेटिव शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए यदि आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, घर की लड़ाई कड़कच को देख करके तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहल तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, परंतु नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नेगेटिव शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है। आपको उलटी दिशा में, मतलब सीधी में नहीं, बाई दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है, और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू यदि आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नेगेटिव शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नेगेटिव शक्तियों को रख लेते हैं और साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वो सफलता के लिए माना गया है। मतलब आप लोग यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यदि आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, एक नींबू ले लें और 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं, पालती मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। यदि आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर दे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो भाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। यदि आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग या आप ही हैं मान लीजिए, और आपको नजर लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग माना गया है। यदि आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का प्रयोग कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ हो, उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए। इसको ले जाकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए।
सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें प्रयोग होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको यदि आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं, नींबू का यदि आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको करना क्या है, पहले तो यह समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है, एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी चार टुकड़ों में। अपनी दुकान के चार भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन चार भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग चार लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और यदि आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर, वो जो नेगेटिव शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तु शास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत करके और आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मान लीजिए दोस्तों किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है और इसी तरीके की बातें हो रही है कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा है कि आप लोग यदि कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है ओम श्री हनुमताय नमः। यदि इस मंत्र आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग चार लौंग गाड़ देते हैं तो मान लीजिए आप जॉब की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के समय में ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। यदि आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना तय है, ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमताय नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता चला जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 100 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो सफल ही होता है, और ये क्रिया आप लोग जॉब के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं तो आपको सफलता मिलना तय माना जाता है। दोस्तों 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो जो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है, मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है, फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का वक्त होना चाहिए, शनिवार के दिन। यदि आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये आपने 7 बार नींबू उतारा
21 बार चाकू उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हों, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जा करके फेंक दीजिए। यदि आप इतना कर देते हैं, उस रोगी के ऊपर यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने मंत्र कर रखा हो आपके घर के बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नेगेटिव शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर यदि बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा अवश्य उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत लोग होते थे, तो वो नींबू को अवश्य अपने पास रखते थे कि कब कहां पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से हम उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दोस्त तो बात करते हैं 8वें नंबर की, आपको संतान प्राप्ति हेतु ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं, एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। एक ऐसा दिन होता है जो बहुत शुभ माना गया है। यही संतान लोगों के लिए यदि आप इस दिन नींबू का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिलाकर के पी लेती हैं, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में यदि आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दोस्त है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश रुपए की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम से रुपया पैसा मिल जाए। आप कालाबाजारी करते हैं, आप सट्टाबाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, यदि आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा अवश्य मिलेगा। जॉब में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, सिर्फ आपको ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुमाना है, लगातार शनिवार तक आपको 7 बार घुमाना है, और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है, और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग चले जा रहे हैं, 41 शनिवार 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। यदि आप इतना सिर्फ कर देते हैं तो आपकी किस्मत में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है। तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा, आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा, आप लोग जॉब कर रहे हैं उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये यदि आप लोग कर 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार नींबू को घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है। दोस्तों, अब उपाय, मृत्यु को चकमा देना। यदि लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कई लोग ट्रेवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं आगे रख दीजिए, अपनी गाड़ी से उसी के ऊपर से गुजारते हुए निकल जाइए, ऐसा गुजारिए, नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन यदि आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो टल जाएगी। दोस्त, ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।